News 18, India. न्यूज मिल रही है पश्चिम बंगाल से, ये बड़ी खबर है क्योंकि बंगाल में इस वक्त बवाल हो रहा है और इस बीच में बीजेपी नेता उत्तर 24 परगना के संदेश खाली पहुंच चुके हैं और वो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित महिलाएं अपनी आप बीती सुना रही हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को धामखाली में रोक लिया गया था, पुलिस ने उन्हें और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें और शंकर घोष को अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां जाने की अनुमति दी, संदेश खाली जाने की अनुमति दी और दोनों लोगों को थोड़ी सी नोकझोंक के बाद पुलिस ने जाने भी दिया, जिसके बाद वो संदेश खाली पहुंचे। तो यहां संदेश खाली से बड़ी जानकारी मिल रही है, जो पीड़ित महिलाएं हैं वो मुलाकात कर रही हैं, अपनी आपबीती सुना रही हैं, जिसे लेकर तकरार बहुत देखने को मिली। शुभेंदु अधिकारी, संदेश खाली के लिए निकले तो उन्हें रोक दिया गया, बाकायदा बैरिकेड्स लगाकर वो वहीं पर फिर धरने पर बैठ गए। उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आता है और फिर उन्हें जाने की अनुमति मिलती है, जिसके बाद वो वहां पहुंचे हैं। तो लगातार बड़ी खबर जो संदेश खाली से मिल रही है और शाहजहां शेख के ऊपर गंभीर आरोप भी हैं और उस पर ममता बनर्जी सरकार चुप क्यों है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। और आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, तस्वीरें हमने देखी, हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर देखने को मिला, इस वक्त अपडेट क्या है? सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को आप वो बताइए। देखिए बिल्कुल, न्यूज 18 इंडिया सुबह से हर खबर दिखा रहा है और शुभेंदु अधिकारी की बड़ी जीत, जब वो संदेश खाली पहुंच चुके हैं, संदेश खाली में जगह जगह पर महिलाओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, महिलाएं उनको अपनी शिकायत सुना रही। इस समय भी हम आगे बढ़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर संदेश खाली में गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ ये ई रिक्शा चलते हैं, इसीलिए हम ई रिक्शा पर सवार हैं। और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, हम जरा उनसे भी जानेंगे। आप लोगों के साथ भी क्या अत्याचार हुआ? অত্যাচার হওয়া মানে আমরা তো আছি পঞ্চায়েত ইলেকশানে কেউ ভোট দিতে পারিনি, প্রতিটা বুথে বুথে মানে কি ওদের যে মস্তান বাহিনী কোদালের বাঁট নিয়ে প্রতিটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, আমরা কেউ মানে বাড়ির থেকে বেরোতে পারিনি, এত সন্ত্রাস। মানে কি তোমার আমাদের অঞ্চলে যাচ্ছে কি যে মানে সন্ত্রাস করেছে জিয়া ভাই। ये शिकायत है लोगों की कि पंचायत चुनाव में हम वोट भी देने नहीं, घरों से बाहर निकल पाए। क्या हालत यहाँ संदेश खाली? हमारे खुबी खराब हालत। हमारे एखे मोटे पंद्रह पंचायत भोट में 2011 साले মমতা ব্যানার্জী क्षमता आसार पर সেখান থেকে আর আমরা ভোট দিতে পারিনি। তারপর থেকে পঞ্চায়েত ভোট বলো, লোকসভা বলো, বিধানসভা বলো, আমরা ভোট দিতে পারিনি। প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে হারমাত বাহিনী পুষে রেখেছে। একদম গম্ভীর আরোপ হ্যাঁ, ইয়ে কে রে কি 2011 মে জব মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বনি উসকে বাদ সে ভোট নহীঁ দে পা রহে হ্যায়, এসা আরোপ লগা রহে হ্যায় ইয়াহ কে স্থানীয় লোগ। অর লাগাতার শুভেন্দু অধিকারী ইয়াহ কি মহিলাওঁ কে সাথ মিল রহে হ্যায়, কহীঁ কোই মহিলা রোতি হুই নজর আ রহি হ্যায় তো কোই উনকে পের পর গিরতি হুই, কোই উনহে আপনি শিকায়ত বতা রহি হ্যায়। অর पूरा संदेश खाली आज जो यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है, घरों से महिलाएं बाहर निकल रही हैं और जगह जगह पर शुभेंदु अधिकारी का स्वागत कर रही हैं, कहीं फूल बरसाकर तो कहीं शंख बजाकर तो कहीं उलूक ध्वनि देकर के। ये तस्वीर संदेश खाली से और बड़े ही नाटकीय तरीके से बड़ी जीत आज शुभेंदु अधिकारी को मिली है, ये कहा जा सकता है। पहले तो कल कोर्ट से उन्होंने अनुमति ली संदेश खाली आने की, जिसके बाद उनको आज पुलिस ने फिर बैरिकेड लगाकर रोक दिया और ये कहा कि सुबह 9 बजे आज फिर धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन फिर आशिका ये भी बताइएगा कि हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार पर कड़ी टिप्पणी की गई है, जिस तरीके की कानून व्यवस्था बनी हुई है उस पर भी सवाल पूछे गए हैं, क्या सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? देखिए फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि क्या ज़रूरत है संदेश खाली में जाने की, किसी को वहाँ पर जाकर के कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचा सकते हैं, उत्तेजना बढ़ा सकते हैं। और यही हवाला देते हुए आज पुलिस ने भी रोका। देखिए विंदा कराताई उनको रोका, वो लौट गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब आए वो धरने पर बैठ गए, करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद जब कोर्ट से आदेश आया तो फिर पुलिस के साथ एक दौर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फिर अंततः वो बैरिकेड लांग करके शुभेंदु अधिकारी नदी को पार करके ये संदेश खाली पहुंचे हैं। संदेश खाली द्वीप है जो फिलहाल हम आपको बता दें कि जगह जगह पर जाकर के शुभेंदु अधिकारी महिलाओं से मिल रहे हैं और इसी क्रम में जो है ई रिक्शा पर शुभेंदु अधिकारी भी सवार हैं।